तो एज यूजुअल हमारे साथ मौजूद हैं सलमान भाई। सलमान भाई कैसा जा रहा है आपका? अस्सलाम वालेकुम। ट्रैक बहुत अच्छा जा रहा है, अभी आगे चलें तो पता चले कि क्या सीन बन क्या सीन है। तो आपको लगता है कि आपने कितना सफ़र कर लिया अब तक? अभी तो 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ। अभी 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ ना? हाँ, चलें देखते हैं आगे चल के। लेकिन बड़ा मज़े का ट्रैक है। आवाज़ें सुन रहे हैं कैसी खूबसूरत कमाल की आवाज़ें आ रही हैं। ऐसे लग रहा है कि भाई जो है ना, ये देखें, ये लिखा है इसके ऊपर डीकम्पोजर। ये सारी इनकी आवाज़ें हैं, दिखाते हैं आपको डीकम्पोजर्स क्या होते हैं। ये यहाँ पे एक लगा हुआ है, ये पड़े, ये सारी के सारी इनकी आवाज़ हैं। ये कर रहे हैं इन दरख्तों के दरमियान में, कहाँ बैठे हुए हैं, कैसे कर रहे हैं कोई पता नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ आवाज़ है। महसूस करनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी आपको, फिर पता चलेगा। तो आज आ रहे हैं हम डोंगा गली। ये है अयूबिया से स्टार्ट हो रहा है डोंगा गली के लिए पाइपलाइन ट्रैक। तो हम आज मौजूद हैं पाइपलाइन ट्रैक पर। इसकी हिस्ट्री कुछ ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आगे चल के आपको बताएंगे कि इसकी क्या हिस्ट्री है। लेकिन स्टिल देखते हैं ये कितना लंबा है, इसकी मज़ीद मालूम और इंफॉर्मेशन आगे जा के देते हैं आपको, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। पूछेंगे, देखेंगे तो बताएंगे। 20 रुपीज़ का टिकट है, फॉरनर्स के लिए 500 रुपीज़ हैं, बच्चों के लिए 10 रुपये हैं और एडल्ट के लिए 20 रुपीज़ हैं। तो पर पर्सन 20 रुपीज़। शोर सुने मेरे पीछे, कमाल का शोर है, सुकून बहुत है। सारी चीज़ों से बचकर आप अकेले ट्रैक पर सफ़र करते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। एक से 1.5 किलोमीटर सफ़र किया है। सलमान भाई की बोलती बंद हो चुकी है, वो ये बोल रहे हैं कि भाई आगे नहीं जाना चाहिए, हमें यहीं पे ट्रैक एंड कर देना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई अगर आपको ट्रैक दिखाना है तो पूरा दिखाएंगे, बीच में एंड नहीं करेंगे। ट्रक शॉप भी हैं यहाँ पर, यानी कि अगर आपको प्यास लग जाए आप रास्ते में यहाँ थक जाएँ तो यहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप बारिश है तो यहाँ से छाता भी ले सकते हैं, छाता लें, चिप्स लें, पानी लें, कुछ लें। ट्रक शॉप है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप, खैरियत से? देखा, लश ग्रीनरी है और ऊपर बिल्कुल घना जंगल। यंगस्टर्स के लिए माशाल्लाह, हम ऑलरेडी तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं और वोटर्स हैं। थैंक यू, विच इज एनकरेजिंग मैसेज टू द यंगर्स एंड और सर आपका ऑक्यूपेशन या आपका डिपार्टमेंट क्या है? बेटा वी आर बिजनेस बिजनेस मैन। आस्क मी द क्वेश्चन,
अरे ये हमारे दोस्त हैं माशाल्लाह। नहीं जस्ट जनरल नॉलेज, जस्ट जनरल क्वेश्चन है ये, कोई पर्सनल, कोई पर्सनल नहीं है। वी आर एंजॉयिंग आवर लाइफ माशाल्लाह। एंड दैट्स इट, ये नहीं बताएंगे क्या करते हैं। नहीं 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 सर, हम पर्सनल, हम मैं पर्सनल में जाना भी नहीं चाहता हूँ। मैं जस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या, आप माशाल्लाह छह लोग हैं और हम ओनली दो लोग हैं। नहीं, बेसिक जो हमारा मैसेज था वो आपको पहुंच गया। एंड वी एक्सपेंड यू, आप कितना नहीं कर, एंड वी इंक्लूड यू, और यंगर को इंशाल्लाह सामने लाए जी जी, और उनको बी पॉजिटिव एंड इंशाल्लाह अपना रोल वो प्ले करें। तो दुनिया बड़ी हसीन है, बड़ी हसीन है, बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। हम दो दोस्त हैं, ये जो वादियां हैं ये आपको कहां मिलेंगे, सही बात। तो इसलिए एंजॉय एज मच एज यू कैन। हाँ जी, तो 10-15 मिनट की वॉकिंग पे हमें कुछ 60 प्लस एज के यंगस्टर्स मिले, जो वाकई यंगस्टर्स हैं, एंड दे स्टिल गुड फ्रेंड माशाल्लाह, जो हमारे लिए यंगस्टर्स के लिए बहुत बहुत एक इंस्पायरिंग बात है। एंड दे आर इंस्पायरिंग अस, मुझे तो बहुत इंस्पायर किया इन्होंने, क्योंकि उनका माशाल्लाह अभी तक का जो चलने का स्टैमिना है, फिटनेस है, और दैन जो अभी जंक फूड्स नहीं खा रहे हैं वो, और इतनी उम्र में भी वो 4 किलोमीटर प्लस का ट्रैक कर रहे हैं, तो मुझे तो बहुत इंस्पायर किया है इन्होंने। क्या खूबसूरत वैली आ गई है, वो सामने देखें बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। अब आपको पता नहीं वीडियो में कैसे लगते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो एक बात आपने नोट की हो या ना की हो, मुझे नहीं लगता है कि आपके भाई ने आज पानी की बोतल आज भी साथ रखी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आदत हो गई है शायद, पिछले 10-12 दिनों से लगातार ट्रैकिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा हो जाता है, थकावट हो जाती है, लेकिन यह है कि 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर इजीली कर लेता हूँ मैनेज। ढोंगा गली और वो सामने जा रहा है मशकूरी ट्रैक। ये मशकूरी ट्रैक की सीरीज आपने पता नहीं देखी है कि नहीं देखी, वो जा रहा है मशकूरी ट्रैक, इधर मशकूरी ट्रैक, वो सामने लालाबाग ट्रैक है, और ये जा रहा है ढोंगा गली से यूबिया के लिए रास्ता। अभी हम वापस आ रहे हैं दोबारा उसी ट्रैक पर, ये जा रहा है डोंगा गली से पाइपलाइन ट्रैक। तो नाना करते सलमान भाई ने भी ट्रैक पूरा कर ही लिया और हमें ज्वाइन किया है आकर डोंगा गली से। डोंगा गली में मैं उनसे
थोड़ा टाइम पहले पहुंच गया था, लेकिन वो भी पीछे पीछे मेरे पहुंच गए थे। तो अभी हम जा रहे हैं वापस, तो वापस भी उसी ट्रैक पर जा रहे हैं। तो देखते हैं एंड पर बताएंगे आपको कि हमने पूरा ट्रैक कितने टाइम में किया है, टोटल कितना टाइम लगा है हमें जाने में और फिर वापस आने में। बादल अभी नीचे आ रहे हैं मजीद, तो हो सकता है वो सामने ट्रैक है, वो खंभा अगर आपको नज़र आ रहा हो वो सामने ट्रैक है जो डोंगा गली से आते हुए आता है पहले, तो वहाँ से ट्रैक चलता हुआ आ रहा है वो सामने, और यूँ पहाड़ों के साथ साथ बिल्कुल आ रहा है ये ऐसे, और ये हम जा रहे हैं। भाई सलमान भाई, सलमान भाई कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, दे आर मेंटली अनबैलेंस्ड क्योंकि उन्होंने आज रिकॉर्ड कायम कर दिया 8 किलोमीटर ट्रैक करने का, तो उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सबसे तो अल्लाह ताला के नाम लगाए गए हैं दरख्तों पर प्लेट के साथ, तो इससे अच्छी और क्या चीज़ हो सकती है। डबल ट्रैक यानी कि पाइपलाइन ट्रैक दोनों साइडें कंप्लीट कर ली है, या जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पर ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू, बहुत मज़ा आया, इन्जॉय किया। ये रास्ता नीचे टनल को जाता है, ये वाला ये टनल को जाता है, और ये ऊपर वाला जो है ये यूपिया को जाता है।